एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम में मतभेद की खबर निकलकर सामने आ चुकी है। रोहित को कप्तानी से हटाना चाहते थे विराट कोहली। जी हां, इस खबर की पुष्टि की है बीसीसीआई सूत्रों का दावा है कि सेलेक्टर्स के सामने विराट कोहली ने रखा था प्रस्ताव कि हिटमैन की जगह ऋषभ पंत को और राहुल का नाम सुझाया था। जी हां दोस्तों, उम्र के चलते रोहित को उनके पद से हटाना चाहते थे विराट कोहली। पहले भी दोनों के बीच में जो है कई बार मतभेद की खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। विराट कोहली ने गुरुवार को टीम इंडिया 20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोहली आगामी T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि वह टेस्ट और वनडे मैचों में कप्तान बने रहेंगे। कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कप्तानी छोड़ने के फैसले की जानकारी दी। सभी को हैरानी में डाल दिया विराट के कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद। एक चौंकाने वाली खबर जो निकलकर सामने आ रही वो ये है कि कप्तानी में बदलाव चाहते थे विराट कोहली। दरअसल PTI की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कप्तानी के पद को लेकर रोहित शर्मा को हटाना चाहते थे। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि विराट लिमिटेड ओवर्स में रोहित को कप्तानी से हटाने के प्रस्ताव के साथ चयनकर्ताओं के पास गए थे, जिसको नहीं माना गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, राय कमेंट करके जरूर दीजिए।